श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड अध्याय 40। सीता, राम और लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा करके कौसल्या आदि को प्रणाम करना। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण का रथ में बैठकर वन की ओर प्रस्थान। तदनंतर राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीनभाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौसल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा के भी दोनों पैर पकड़े। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, तुम अपने सुहृद श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना। ये संकट में हो या समृद्धि में, ये ही तुम्हारी परम गति है। निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहें। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित एवं सनातन आचार है। अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर बोली, बेटा तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो, जनक नंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। अब सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। इसके बाद जैसे मातली इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय के ज्ञाता सुमंत्र ने ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महायशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए, आप मुझसे जहाँ कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुँचा दूंगा। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके श्वशुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दिए थे। इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे, उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मड़ी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उसी पर रख दी। इसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्ण भूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए। जिनमें सीता की संख्या तीसरी थी, उन श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देख सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जुते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हांका। जब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे, उस समय समस्त पुरवासियों, सैनिकों तथा दर्शक रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आ गई। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहिनाने एवं उनके आभूषणों के खनकनाने की आवाज सब ओर गूंजने लगी। अयोध्यापुरी के आबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के ही पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भागे जाते हों। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सब के सब उच्च स्वर से कहने लगे, सूत, घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो। हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है।
तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता है। विदेहनंदिनी सीता कृतार्थ हो गई, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही है। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती हैं, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती है। अहो लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे। तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा यह महान अभ्युदय है और तुम्हारे लिए ये स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। ऐसी बातें कहते हुए वे पूर्वासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न सह सके। वे लोग सबके प्रेम पात्र इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर, मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी युद्धपति के बांध लिए जाने पर हथिनियों का चीत्कार सुनाई देता है। उस समय श्रीराम के पिता ककुस्थवंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी तरह खिन जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत होते हैं। ये देख अचिंत्य स्वरूप दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। एक ओर श्री रामचंद्र जी सारथ से रथ हांकने के लिए कहते थे और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता था। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों मन से कुछ न कर सके, न तो रथ को आगे बढ़ा सके और न सर्वथा रोक ही सके। महाबाहु श्रीराम के नगर से निकलते समय पूर्वासियों के नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीग कर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते करते अचेत से हो गए। नारियों के नेत्रों से उसी तरह खेद जनित अश्रु झर रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से हिले हुए कमलों द्वारा जलकणों की वर्षा होने लगती है। श्रीमान राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुल चित देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। उस समय राजा को अत्यंत दुख खमे मग्न हो कष्ट पाते देख श्री राम के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रकट हुआ। अंत पुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देख कोई हा राम कहकर और कोई हा राम माता की पुकार मचाकर करुण क्रंदन करने लगे। उस समय श्री रामचंद्र जी ने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त तथा भ्रांत चित पिता राजा दशरथ और खमे डूबी हुई माता कौशल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़े का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता की ओर स्पष्ट रूप से न देख सके। जो सवारी पर चलने योग्य दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के ही योग्य थे उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हांकने के लिए प्रेरित किया। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता है, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुख अवस्था में देखना असह्य हो गया। जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सवत्सा गौर शामकों घर की ओर लौटते समय बछड़े के स्नेह से दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्रीराम की माता कौशल्या उनकी ओर दौड़ी आ रही थी। हा राम हा राम हा सीते हा लक्ष्मण की रट लगाती और रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। वे श्री राम लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थी एवं इधर उधर नाचती चक्कर लगाती सी डोल रही थी। इस अवस्था में माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी ने बारंबार देखा। राजा दशरथ चिल्लाकर कहते थे, सुमंत्र ठहरो,
किंतु श्री रामचंद्र जी कहते थे, आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। उन दो प्रकार के आदेशों में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था। उस समय श्री राम ने सुमंत्र से कहा, यहाँ अधिक विलंब करना मेरे और पिताजी के लिए दुख ही नहीं महान दुख का कारण होगा, इसलिए रथ आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उलाहना दे तो कह दीजिएगा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अंत में श्री राम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वत चलते हुए घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हाँ कहा। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं लौटे, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्यों का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा, वे सब लोग श्री राम के पीछे पीछे दौड़े चले गए। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वो पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था, वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपर्युक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीनभाव से पुत्र की ओर देखने लगे।